हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने हाजिर हूँ फाखरा शाहरुख आज एक नई रेसिपी के साथ, और रेसिपी का नाम मैं नहीं बताऊंगी आपको, तो मैं बनाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, ऑयल मैं इसमें गर्म होने के लिए डाल रही हूँ, और इसके बाद मैंने अनियन ले लिया है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। एक मीडियम अनियन मैंने लिया है, और अब इसको हम ब्राउन होने के लिए रखते हैं। तब तक के लिए आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अगर आप हो सके तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। तो हमारा प्याज जो है वो हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक जो मैंने पीस लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें। तो हमारा अदरक लहसुन और प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की मैंने पेस्ट बनाई है। मैंने टमाटर लिए हैं 3 अदद, और उसकी मैंने पेस्ट बना दी है, और ये मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी, और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जी। फ्रेंड्स, देखें हमारा जो मसाला है वो फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसमें अपने ड्राई मसाले जो मैं घर में यूज़ करती हूँ वो इसमें ऐड करूँगी। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा था आज कुछ भी बनाने को, तो बस ऐसे ही फिर मैंने कभी सोची थी आलू मटर बनाऊँ, कभी सोची थी कि मैं चिकन कढ़ाई बना लूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही मिला ली। मैंने सोचा चलो आलू मटर और साथ में मैं चिकन जो है ये फ्राई कर लेती हूँ, तो आज मैं चिकन में आलू मटर डाल के ये मैं बनाने जा रही हूँ जी। हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बैंड वाइफ का, हल्दी पाउडर डालेंगे, क्रश चिली मैं डालूँगी, मैंने इसमें धनिया पाउडर यूज़ किया है, और ज़ीरा मैं जो है वो साबुत यूज़ करूँगी इसमें, साथ में मैं ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी। आप भी अपने घर में जो जो भी अवेलेबल हों मसाले वो ऐड करें जी। तो अब हमारा चिकन जो है फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें आलू मटर ऐड कर देंगे, और आलू मटर को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये तो हमारे आलू मटर फ्राई हो चुके थे चिकन के साथ, अब हमने एक ग्लास पानी ऐड कर दिया है, अब हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये तो हमारा सालन रेडी हो चुका है, और अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची और धनिया हमने काट के रखा था वो हमने ऐड कर दिया है, और इसको अब हम बिल्कुल साइड पे कर देंगे, दम पे रख दिया था मैंने। अब हम इसको बंद कर देंगे आँच को जी। फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा आलू मटर चिकन जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर करें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं फाखरा शाहरुख आपके सामने हाज़िर होती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।